बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स के पाठ 11 हेलन केलर का कार्यपत्रक 5 और 6। और इसी तरह के और वीडियो देखने और 9वीं 10वीं के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं कार्यपत्रक 5। इसमें है र के रूप, है ना। र के रूप जो है, हमने इसके पहले के वीडियो में र के रूप लिखे थे और उनके उदाहरण भी लिखे थे बच्चों। तो ये वही र के रूप है जो यहाँ डिटेल में दे रखा है। तो र के रूप, जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग पर रेफ के रूप में लगता है। तो किसी व्यंजन के पहले र आता है तो वह आगे वाले वर्ग पर रेफ के रूप में लगता है। तो जब र जो है इस तरह से उसका प्रयोग ऊपर इस तरह से प्रयोग होता है तो इसे कहते हैं रेफ, है ना बच्चों, रेफ। और ये र का ही रूप है। तो यहाँ देखो उदाहरण है, र धन म। तो र का प्रयोग कैसा हुआ, रेफ के रूप में, है ना। म के ऊपर रेफ के रूप में चला गया तो ये शब्द हो गया नर्म। तो ये शब्द ये था न धन र धन म, है ना। न धन र धन म से क्या बन गया था, नर्म। ठीक है बच्चों, नर्म। उसी प्रकार र धन म से ऊपर र लग गया तो शर्म हो गया। और ये शब्द था श धन र धन म से बना था शर्म, है ना। यहाँ पे र के नीचे हलंत लगा है, मतलब र के साथ कोई स्वर नहीं है और म तो पूरा वर्ण है यहाँ पे। ठीक, र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन में नीचे पदेन के रूप में लगाया जाता है ना बच्चों। तो जैसे ये म है, म के नीचे हलंत लगा धन, ये स्वर रहित है। म के नीचे हलंत मतलब ये स्वर रहित है। धन र से म्र, म के नीचे जो र है पदेन के रूप में लग गया और ये आम्र बन गया है। और ये इसका जो हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये ऐसा होगा आ धन म धन र से बना है आम्र, है ना बच्चों। उसी प्रकार प के नीचे हलंत है, धन र से प्र बन गया है प्रमोद। तो यहाँ पे भी ये पदेन के रूप में लग गया और ये है प के नीचे हलंत धन र धन म धन ओ धन द प्रमोद, है ना। इस प्रकार से ये वर्ण विच्छेद करके शब्द पूरा बना है प्रमोद। ठीक है, अब देखो अगला क्या है। उदाहरण अनुसार र के रूप बताने वाले दो अन्य शब्द लिखे। तो यहाँ उदाहरण दे रखे हैं और इसी प्रकार के दो शब्द हमें यहाँ लिखने। तो र किस रूप में है, नजर बधिर। तो र का सामान्य अर्थ है यहाँ तो, है ना, पूरे वर्ण के रूप में र का प्रयोग हुआ है। बधिर, नजर, लहर, शहर, ठीक है। तो ये र का प्रयोग हमने कर दिया बच्चों, उदाहरण दे दिए। अब ये जो र है ये किस रूप में प्रयोग हुआ बच्चों, रेफ के रूप में, जैसे यहाँ हुआ था देखो रेफ के रूप में। वर्ष, धैर्य, धर्म और शर्म, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर पदेन के रूप में प्रयोग हुआ देखो, प्रतिक्रिया क्रम, प्रेम, प्रक्रिया क्रम, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे र का किस रूप में प्रयोग हुआ, ये नीचे की मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ, है ना। ट्रक, ड्रम, ट्राला, ड्रामा, ठीक है बच्चों। अगला जो है, अगला जो शब्द है, अगला जो पॉइंट है बच्चों, ये है कारक। तो कारक जो है हेलन केलर पाठ से संबंधित है, लेकिन वास्तव में कारक जो है हिंदी व्याकरण का भाग है ना। कारक हमने पहले भी पढ़े थे, आपने भी पहले पढ़े होंगे, सातवीं या आठवीं में कारक आपने पढ़े होंगे। तो हम फिर से एक बार देख लेते बच्चों, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम के रूप से वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध बताने के लिए कारक का प्रयोग होता है ना बच्चों। तो संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी नाम का बोध हो वो सारे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम से वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध किसके माध्यम से होता है, कारक के माध्यम से, ठीक है। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्ह को ही विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं बच्चों, है ना।
कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं, ठीक है। कारक के 8 भेद हैं और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कर्ता, ने, से, के द्वारा, ये सारे इसके विभक्ति चिन्ह है। किसके? कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह है, ने, से, के द्वारा। किसानों ने फसल काट ली, ये उदाहरण दे दिया यहाँ पे, और ने का प्रयोग है, किसानों ने फसल काट ली। कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को, माँ बच्चे को बुला रही है ना। करण कारक, से, बच्चे ने बोतल से दूध पिया, ठीक है बच्चों। संप्रदान कारक, के लिए, को, हमने मरीजों के लिए कंबल बिछवाए। अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन अपादान कारक में कैसा होता, अलग होने के अर्थ में, है ना, किससे किससे अलग होने के अर्थ में, संज्ञा सर्वनाम से अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं ना, तो पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से दूर हो रहे, अलग हो रहे, तो ये अलग होने के अर्थ में यहाँ पर प्रयोग हुआ है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। यह बच्चों की किताबें हैं, है ना। अधिकरण कारक, में, पर, ऊपर, के भीतर, को, के पहले, बिल्ली रसोई में है, ये अधिकरण कारक हो गया। और संबोधन है, अरे, ओ, रे, और उसके पीछे आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये हमने पढ़ा था पहले। अरे लड़के इधर मत बैठ, ठीक है। तो यहाँ पर कारक और उनके विभक्ति चिन्ह हमें याद होना चाहिए। इसको इस तरह से भी याद करते हैं बच्चों, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, जान, संबंध है, काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे अजी, ये कारक आठो जान। हम पढ़ेंगे बच्चों कार्यपत्रक 6, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ लिखे, है ना। पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनका हमें यहाँ अर्थ लिखना है, तो आसान सा है, चलो करते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब मजबूत इच्छा, है ना, मजबूत इच्छा, दृढ़ इच्छा, ठीक है। मजबूत इरादा, इरादे, पक्के इरादे, है ना, मजबूत इरादे मतलब पक्के इरादे कर लिए हमने। अपंगता, अपंगता को विकलांगता या दिव्यांगता। अनूठी मिसाल, विशेष प्रेरणा, अनूठी मिसाल मतलब विशेष प्रेरणा। दृष्टिहीन, अंधा। बधिर, जो सुन ना सके, है ना बच्चों, जो सुन ना सके। अंधकारमय, अंधेरा, ठीक है, अंधकारमय मतलब अंधेरापन, ठीक है। विस्तृत, फैला हुआ, फैला हुआ, है ना बच्चों, ये हमने इसके अर्थ लिख दिए हैं। उसी प्रकार इधर है झलक, झलक मतलब दृश्य, कोई सी एक झलक मतलब छोटा सा दृश्य हमें दिख रहा है। कुछ ही नहीं फेर सका, मिटा न सका। विकलांग, दिव्यांग। स्वालंबी, स्वयं पर निर्भर, स्वयं पर निर्भर, ठीक है बच्चों। मशाल, ज्योत, है ना। ध्वस्त हुआ, मिट गया, खत्म हो गया, है ना। आबाद, विकसित, ये हमने इनके अर्थ लिख लिए हैं। अब इसी प्रकार अगला है बच्चों, आपकी शाला में हेलन केलर की तरह का कोई विद्यार्थी हो तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी शाला में हेलन केलर की तरह का कोई विद्यार्थी है। तो हेलन केलर कैसी थी बच्चों, वो तो बधिर हो गई थी, दृष्टिहीन हो गई थी, है ना, तो दिव्यांग थी वो, है ना। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना कितना विकास करा था, हर चीज उन्होंने सीखी थी, वो एक प्रेरणा बन गई थी सबके लिए। तो इस तरह का कोई विद्यार्थी आपके विद्यालय में है यदि, तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे। तो ये आपको यहाँ लिखना है कि हम विद्यार्थी का सहयोग पूरे मन से करेंगे, है ना, हम उसका सहयोग पूरे
पूरी तरह से करेंगे। उसकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे। हम उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, है ना, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि यदि शाला में इस तरह का कोई विद्यार्थी होता है तो दूसरे विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते हैं, तो हम उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, ठीक है। उसे एक दोस्त की तरह, उससे ऐसा लिखना, उससे एक दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे। इस तरह से बच्चों आगे आप अपने मन से लिखना, है ना, जो भी आप करना चाहते हो, या आपके विद्यालय में कोई इस तरह का विद्यार्थी है तो उसकी सहायता किस तरह से की जा सकती है, तो अब आपको अपने से खुद से लिखना है ना बच्चों।